जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्किन पर से कैसे छिलके उतर रहे हैं और नीचे से स्किन कैसी ग्लोइंग नजर आ रही है। यकीन करेंगे कि इसने स्किन को इतना सेफली पील ऑफ किया है कि उतरने वाले छिलके मुझे टिश्यू से रिमूव करने पड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मैमुना मुस्लिमा। आगे जी फिर से आपकी बहन आपको कुछ नया बताने, सिखाने और समझाने के लिए। मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि उसने किसी मशहूर कंपनी का सीरम मंगवाया है जिसकी प्राइस सुनकर मेरी आंखें बाहर आ गई। ज्यादा महंगा नहीं था, सिर्फ 7,500 रुपए। मैंने उससे कहा मैंने तो घर पर बनाया था 100 रुपए में, वो भी यही काम करता है। अरे चालाकी थी, छोड़ रख, मेरी तो 250 की है, लेकिन टाइम वही बताती है। शट अप। खैर जी, मैंने ये जो विंटर ग्लोइंग सीरम घर पर बनाया है वो हमारे स्किन पर रिंग लाइट के बगैर ये काम करेगा। एक तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, एक ब्रांडेड सीरम की तरह स्किन के अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। यूनिकनेस ये है कि एक स्क्रब की तरह आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा। यकीनन आप ये बात सुनकर हैरान हुए होंगे और आई एम श्योर ये बात किसी ने आपको बताई भी नहीं होगी कि क्या एक सीरम स्क्रबिंग का काम भी कर सकता है जबकि अंदर स्क्रबिंग पार्टिकल्स भी नहीं है। आपको सीरम्स का एक सीक्रेट बताऊं कि सीरम को सीरम कहा ही क्यों जाता है, क्योंकि ये स्किन के अंदर क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है और जो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए वही अच्छा सीरम कहलाता है। तो चलिए जल्दी से इस अमेजिंग सीरम को बनाना शुरू करते हैं क्योंकि सर्दी भी सर पर चढ़ आई है। सबसे पहले हमने ले लेना है जी एक छोटे साइज का साफ सुथरा बाउल और फिर इसमें ऐड कर देनी है जी ग्लिसरीन 1 चम्मच। इसके स्किन के लिए क्या क्या फायदे हैं और ये स्किन की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स में यूज होती है इस पर एक अलग वीडियो बना चुकी हूँ, आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। को क्विकली सब बताते चलूं कि जिन लोगों ने मेरी रिकमेंडेशन पर ज़ारा ब्यूटी का ये वाला हेयर ऑयल बाय किया है, सबसे पहले आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इतने ट्रस्ट करने के लिए। और दूसरी चीज के ज़ारा ब्यूटी वालों की तरफ से मैंने एम ही बोल दिया था कि मेरी तरफ से मेरे तमाम फॉलोअर्स को 5% ऑफ है, हालांकि मेरा कोई कोड वगैरह नहीं था। तो ये ब्रांड का बड़प्पन है कि उन्होंने जितने भी मेरी तरफ से लोग गए हैं उन सबको 5% ऑफ दे दिया है, सो जजाकल्लाह। खैर बाकी जी मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है तो सर्दी के हवाले से ये वाला हेयर ऑयल बेस्ट वर्क करेगा। अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं है तो उसको प्रमोट करेगा और हेल्दी बना देगा और बालों के जितने भी इश्यूज हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो मैं सजेस्ट करूंगी आप लोगों को हाईली कि आप लोग लाजमी बाय करें और सभी घर वाले इसे यूज करें। दूसरे नंबर पर है जी हमारे पास तिलों का तेल यानी सेसमी ऑयल। ये ऑयल बड़े ही कमाल का एंटी टैन ऑयल है। इसके अलावा स्कार्स और रैशेस को सूद करता है, स्किन को ग्लोइंग इफेक्ट देता है। इस पर भी आपकी बहन एक मुकम्मल वीडियो बना चुकी है, आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिर आगे जी हमारे पास ये खूबसूरत मोती, आप गेस करके बताएं कि ये क्या चीज है, कमेंट्स में लिखें इसका नाम जल्दी जल्दी, देखते हैं आप में से सबसे पहले कौन बताता है। इन खूबसूरत मोतियों को खोलकर मैं निचोड़ दूंगी इसी बाउल के अंदर जिसमें हमने ग्लिसरीन और तिलों का तेल ऐड किया था, सिर्फ 5 मोती। चलिए अब मैं इसका नाम बता देती हूँ, ये हैं जी फिश ऑयल कैप्सूल्स। ये आपको किसी भी फार्मेसी से बिल्कुल इजीली मिल जाएंगे और सस्ते भी होते हैं। और कमाल की बात यह है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मिकदार में पाया जाता है जो स्किन हेल्थ को बहुत जल्दी इम्प्रूव करता है। तो जाहिर है स्किन जानदार तो दिखेगी शानदार, सिंपल। फिर तीसरे नंबर पर ये व्हाइट कैप्सूल्स जिन्हें ब्यूटी कैप्सूल्स भी कहा जाता है और व्हाइटनिंग कैप्सूल्स भी, ये किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से आराम से मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पर 2 ब्यूटी कैप्सूल्स ऐड कर दिए हैं। फिर आपने मार्केट वाला एलोवेरा जेल ले लेना है और इसमें ऐड कर देना है बस इतना सा कि 1 चम्मच के बराबर हो जाए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, बल्कि बहुत अच्छी तरह से। इसको चम्मच के साथ भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप इसको एग बीटर के साथ बीट कर सकते हैं क्योंकि जितना इसे बीट करेंगे उतना ही ये पेनिट्रेटिंग बनेगा। सो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे जल्दी से लाइक कर दो क्योंकि आपने वीडियो देखने के चक्कर में इसे लाइक करना भूल जाना है भाई। मैंने इस पर काफी सारा टाइम लगाया है ताकि ये बहुत अच्छे से ब्रांडेड फॉर्म में आ जाए। आप देख सकते हैं कि ये जबरदस्त टेक्सचर में हमारे पास आ चुका है। अब मैं इसे एक खाली सीरम बॉटल में ट्रांसफर कर लूंगी कुछ इस तरह से। ये देखिए एक बेहतरीन क्वालिटी का सीरम हमारे पास रेडी हो चुका है, चाहे आप इसे खुद लगाएं चाहे बनाकर बॉटल्स में डालकर बेच दें। इस सीरम की शेल्फ लाइफ है जी
15 दिन। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फॉर ऑल स्किन टाइप है, एक्नी और सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे आराम से आंखें बंद करके यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको ज्यादा कोई खतरे वाली बात हो तो इसका पैच टेस्ट किया जा सकता है। इसके अंदर मैंने ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया जो कि आपको इचिंग रिएक्शन, खारिश, खुजली या रेडनेस का बायस बने। फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए पैच टेस्ट कर सकते हैं। टेक्सचर बहुत अमेजिंग है, मैं आपको हाथ पर भी लगाकर दिखा रही हूँ, चिपचिपा बिल्कुल नहीं है। पूरी सर्दियाँ बाजारी सीरम लेने की जरूरत नहीं है। अपनी बहन के होते हुए इतना भी फायदा नहीं उठाना तो फिर और क्या करना है आप लोगों ने। इससे बेहतरीन काम चलेगा आपका पूरी की पूरी सर्दियाँ। अप्लाई करने का तरीका यह है कि रात को सोने से पहले स्किन पर चंद कतरे लगाकर मसाज करें, कम अज कम 4 से 5 मिनट तक, ताकि ये अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। मैं भी आपके सामने मसाज कर रही हूँ। कमाल यह है कि जैसे जैसे एब्जॉर्ब होता जाएगा तो स्किन पील ऑफ होने लगेगी, क्योंकि डेड लेयर को बिल्कुल सॉफ्ट करके ये उतारना शुरू कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्किन पर से कैसे छिलके उतर रहे हैं और नीचे से स्किन कैसी ग्लोइंग नजर आ रही है। यकीन करेंगे कि इसने स्किन को इतना सेफली पील ऑफ किया है कि उतरने वाले छिलके मुझे टिश्यू से रिमूव करने पड़ रहे हैं। ये था जी आज का बेहतरीन किस्म का सीरम जो आप बिल्कुल कम टाइम और थोड़े से पैसों में घर पर बना सकते हैं। इसको सिर्फ रात के वक्त यूज करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वक्त की कोई कैद नहीं, आप किसी भी वक्त इसे लगा सकते हैं, मेकअप करने से पहले भी और मेकअप रिमूव करने के लिए भी। इस तरह के व्हाइट कलर के सीरम्स मार्केट में भी अवेलेबल हैं जो शायद इतने पैसों में नहीं मिलेंगे। अगर आप इसको बनाकर यूज करें तो अपनी कीमती फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर, ताकि मैं आपकी स्टोरी दूसरों के साथ शेयर कर सकूं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं जी फिर इस तरह की और भी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।